हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको चावल के पापड़ बनाने की फुल टेक्निक बताऊंगी और बिल्कुल इजी तरीके से कि आप शहर में भी बना सकते हैं और बिना धूप में, तो आपके पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, एकदम क्रिस्पी कि आप मुंह में डालेंगे तो घुल जाएंगे। तो इतने अच्छे चावल के पापड़ बनकर तैयार होंगे। तो चावल पापड़ बनाने के लिए हमने एक कप चावल ले लिया है। जो भी आप घर पर रेगुलर चावल यूज़ करते हैं किसी भी वेराइटी का, तो वो चावल ले सकते हैं। तो इस चावल को हम 2 से 3 बार साफ़ पानी से धुल लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल चावल डेली बनाते हैं तो 2 से 3 बार तो धुलते ही हैं, ताकि इसका जो गंदा है पूरा दूर हो जाए। तो इस समय हम चावल को अच्छे से घिस घिस कर धुल लेते हैं, तो इसका जो गंदा पानी है उसको अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, आप आगे वीडियो में बने रहें, बहुत ही आसानी से पापड़ बनकर तैयार होंगे और इसको हमेशा खाएंगे बनाकर, इतने क्रिस्पी बनेंगे पापड़। चावल में पर्याप्त पानी भर दिया है और इसको हम दूसरे दिन इसका पानी चेंज करेंगे। और जब भी हम इसका पानी चेंज करेंगे तो इसको चावल को रगड़ना नहीं है, हाथ से घिसना नहीं है ऐसे में, क्योंकि ये चावल ऑलरेडी फूल चुका है और यदि हाथ से घिसेंगे तो ये चावल पूरा टूट जाएगा। तो बस इसका जो पानी है उसे बदलना बस है और दूसरा पानी भर देंगे। इस प्रोसेस को हमको मिनिमम 5 दिन करना है। तो इस तरीके से करेंगे इस प्रोसेस को कि आज पानी भरे, दूसरे दिन चेंज कर दिए, फिर साफ पानी भर देंगे। तो इस तरीके से हम 5वें दिन देखते हैं तो इसका जो पानी है उसको निकाल दिए हैं और इस चावल को पीस लेते हैं मिक्सर जार में। इसका फाइन पेस्ट तैयार करना है तो पहले मिक्सर जार में चावल को अच्छे से पीस लेते हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़े तो पानी डाल लें। तो बाद में पानी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका फाइन पेस्ट तैयार होगा, बिल्कुल चिकना हमको इसको पीसना है। तो इस तरीके से आप आवश्यकता अनुसार पानी डाल डालकर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा चिकना होना चाहिए, तभी आपके पापड़ अच्छे बनेंगे क्रिस्पी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बने रहें, हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे। आप आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगी सारी ट्रिक्स कि किस तरीके से आपके पापड़ बनाने होंगे। आपके पास ऐसी प्लेट होगी प्लेन सरफेस वाली तो वो ले लें, और प्लेट जिस भी प्लेट में आप पापड़ बनाएंगे वो अच्छे सूखा होना चाहिए, सूखी प्लेट में ही डालना है, गीली में आपके पापड़ बिगड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना पतला है कि प्लेट को तिरछा कर रहे हैं तो पूरा बह रहा है। तो देखिए, हमने थोड़ा सा पानी और मिला दिया है, ये बिल्कुल पतला ही होता है। आप आवश्यकता अनुसार पानी डालते जाएं, एकदम से भी अब ऐसा नहीं कि आप एकदम से डालते पानी। इसमें हमने जीरा ऐड कर दिया है और थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है, करीब 1 टेबल स्पून। तो ये कच्चा डालना है तेल और जीरा, और आवश्यकता अनुसार इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छे से घुल जाए नमक। और आप इसको आसानी से गैस पर बना सकते हैं। एक बड़े बर्तन में पानी भर दिया है, बड़े भिगोना में पानी ले लिया है और पानी को अच्छा गर्म हो जाने दिया, और एक साइड हमने एक बड़े परात में पानी ले लिया है। और आप देख सकते हैं ये कितना पतला है कि आप चम्मच से इसको गिराएंगे तो बिल्कुल फ्लो में गिर रहा है। तो इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये पानी हमारा गर्म हो चुका है, जब तक हम पापड़ बनाने की आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो इस तरीके से हमने प्लेट ले लिया है प्लेन सरफेस वाली, और ये सारी प्लेट सूखी होनी चाहिए, गीली नहीं हो। और तो चम्मच से ऐसा बैटर डालते जाते हैं और इसको ऐसा गोल गोल शेप देते जाते हैं, इसको चम्मच से ही बनाना है। और आगे भी मैं ट्रिक बताऊंगी कि एक जो मैंने पहले वीडियो शेयर किया था वो पापड़ बनाने की थोड़ी अलग टेक्निक है, तो आप उसको भी देखिए, आगे मैं शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को आगे देखें कि आप यदि पहली बार भी घर पर पापड़ बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, और घर की चीज़ का तो अलग ही मज़ा रहता है, ऐसे तो मार्केट में मिल ही नहीं सकते। तो जब ये ऊपर देखिए सूख गया है, उसके बाद हम इसको पलट लेते हैं। ये प्रोसेस लगभग 10 सेकंड में हम इसको पलटना पड़ता है, जब ऊपर क्रैक नहीं आना चाहिए तभी हम इसको पलटना है। और इस तरीके से आपके पास छिटवा होंगे तो छिटवा को गीला कर लेते हैं, गीला कर करके रख लेते हैं यदि हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और हम इसको पलटने के बाद 20 सेकंड बाद हम इसको देखते हैं, तो ये देखिए पापड़ हमारा परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। जब पापड़ तैयार हो गया था तो इसको बड़े बर्तन में जो पानी लिया है उसके ऊपर रख देते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद आसानी से निकल जाता है। तो ऐसे आपके पास सेफ्टी पिन होगी, सेफ्टी पिन से इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया आपको वैसे निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से आपके पापड़ निकल जाएंगे, और ऐसे छिटवा के ऊपर रख देंगे तो आपको पापड़ निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा।
पापड़ यानी कि आसानी से उठाते बन जाते हैं यदि आपके पास छिटवा हो तो। और इस तरीके से आप बना बना कर वैसे ही उबलते हुए पानी के ऊपर रखते जाएं। और देखिए जब ये ऊपर पूरा सूख जाता है उसके बाद हमें इसे तुरंत पलटना है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, नहीं तो ऊपर ये पूरा फट जाते हैं पापड़। तो इसको सावधानी पूर्वक हम इस पापड़ को बनाएंगे। तो ये देखिए वही प्रोसेस कि इसको परात में जो पानी है उसके ऊपर रख दिया ठंडा होने के लिए और फिर ऐसे ही सेफ्टी पिन से निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से ये पापड़ निकल कर रेडी होते हैं। तो फ्रेंड्स ये पापड़ बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आप एक मेरा लास्ट का वीडियो भी देखे होंगे इसके पहले मैंने शेयर किया था, तो उसमें मैंने चावल का आटा बनाना बताया उसके बाद पापड़ बनाते हैं, तो वो ट्रिक भी आपको यदि बेस्ट लगती है तो वो अपना कर देख सकते हैं। तो इस तरीके की आपके पास चटाई होगी, ये अपने प्लास्टिक की चटाई होती है नॉर्मली, उसमें सुखाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये वाले पापड़ सूखते हैं और निकालने में भी आसानी होती है पलटने में। तो ये देखिए हमारी ये पापड़ बनकर रेडी हो गए हैं। चाहे तो आप फूड कलर डाल सकते हैं कलर देने के लिए। और मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें चावल का आटा बनाना बताया है, तो इस चावल के आटे को हम तैयार करके पहले से रख लेते हैं और जब भी आपको टाइम है, जब भी आप इसको शहर में भी कभी भी बना सकते हैं, तो चावल के आटे को घोल लें, उसके बाद आप सारे मसाले मिला दें। आपने उसमें देखा होगा कि मैंने बताया है कि 10 से 12 दिन चावल को पानी में भिगोते हैं और पानी से निकालने के बाद 12 दिन बाद उसको सुखा लेते हैं, फिर उसका चावल का आटा तैयार कर लेते हैं। फिर वही ट्रिक है, वही मेथड है कि आपको आटे को घोल लेना है पानी से और उसमें वह जीरा नमक और तेल मिलाकर उसको तैयार कर लेंगे। तो और यदि आप इसका फुल वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर दी है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो बेटर रहता है, ये थोड़ा टाइट होता है, बिल्कुल पतला नहीं होता। तो जिस भी बर्तन में हम इसको बनाते हैं तो हमारा बर्तन सूखा होना चाहिए और ऐसे आप घुमाएंगे थोड़ी प्लेट को तिरछा कर करके ऐसे घुमाएंगे तो अपने ही आप इसका शेप आता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए अलग होती है और इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो ट्रिक वो अलग होती है। तो मैंने ये दोनों टाइप की आपको ट्रिक बताई। तो यदि आप इस तरीके से पापड़ बनाएंगे तो बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है जो आपको मैंने पहले बताया। और जब ये पापड़ तैयार हो जाता है तो आप इसको सेफ्टी पिन से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप चाकू से भी निकालेंगे, थोड़ा सा भी पुश करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है बिना फटे। तो आप इसको कपड़े में सुखा सकते हैं और जैसे कि शहर में सुखाने का प्रॉब्लम होता है तो आप इसको फ़ैन में सुखा सकते हैं, फ़ैन में बहुत ही आसानी से सूख जाते हैं। और जब थोड़ा ऊपर से सूख जाए तो आप पलट दें, दूसरे साइड भी उसमें हवा लग जाए। तो ये मैंने शहर में शूटिंग किया है, इसको मैंने नॉर्मली फ़ैन में सुखाया है। तो इस तरीके से आप सुखा सकते हैं और जब भी आपके पास धूप आए तो उस समय आप इसको सुखा लें। जैसे कि मैंने ये बरसात में सीज़न में बनाया और जब भी मेरे विंडो में धूप आई, यहाँ तो धूप का बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसमें थोड़ी देर के लिए सुखा दिया आधा घंटे के लिए, तो ये हमारे पापड़ परफेक्ट बनकर रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये पापड़, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ओके बाय बाय।